अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मंच पे उपस्थित कांग्रेस के महासचिव और इस देश में एक नौजवानों की पहचान बनाने वाले भाई आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे साथ झारखंड के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश में मंत्री आदरणीय उमंग सिंघार साहब, इस जनपद के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेंद्र सिंह जी, मंच पे उपस्थित हमारे जेएमएम आरजेडी मासस के नेतागण और आपकी प्रत्याशी झरिया के प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी, अपने उद्बोधन से पहले मैं सबसे पहले तो आज याद करता हूं स्वर्गीय नीरज सिंह जी को और उनको श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि आज अगर वो नीरज बाबू हमारे बीच में रहते तो वो आज हमारे प्रत्याशी रहते और आपके लिए हमेशा उन्होंने आपकी आवाज को बुलंद करने की प्रयास किया है। अगर सचमुच में नीरज सिंह जी को श्रद्धांजलि देनी है तो इतने वोटों से पूर्णिमा जी को जिताना है कि पूरे झारखंड में लोग जान जाए कि झरिया के लोगों ने किस तरह का वोट दिया है। झारखंड के वासियों को क्या दिया? भूख से मौतें, किसान आत्महत्या कर रहा, भ्रष्टाचार, धनबाद की अगल बगल आप देखें तो मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप में है जिसने धनबाद और इलाके झरिया से लेके बागमारा से लेके सिर्फ आपको लूटने का काम किया। और भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और जो सबसे बड़ी समस्या झारखंड में है वो है बेरोजगारी। हमारी सरकार आएगी तो साफ तौर से हमने अपने शपथ पत्र में कहा है कि हर घर में एक नौकरी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है और जिसको नौकरी नहीं देंगे उसको भत्ता देने का काम हम अवश्य करेंगे। मैं तो पूर्वांचल से आता हूं, पड़रौना है वो बिल्कुल देवरिया जिले के लगे है वो शहर पर, तो तमाम हमारे भाई लोग उनने से भी वही है जा पूर्वांचल के, तो हम तो उनसे भी कहो कि बिल्कुल दिल खोल के और झाड़ के अपना वोटवा दिया जा, इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है और आपको विश्वास दिलवा रहा हूं पहले और दूसरे फेज में जो चुनाव हुए हैं एक लहर गठबंधन के लिए उठ चुकी है। जो सपने आपने झारखंड के और झारखंड के वासियों ने देखे थे उन सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी। 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात हमने वादा किया है कि 27% आरक्षण हम पिछड़ों को देने की बात करेंगे। जब हमने 27% आरक्षण देने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 33% देंगे। अरे 5 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे? समय बहुत कम है। तमाम चुनावी महासभाएं आदरणीय सिंधिया जी की लगी हैं। इनके नारे आपने बहुत मध्य प्रदेश में सुने होंगे, परंतु उनको भी समझा दीजिए
कि झरिया की आवाज मध्य प्रदेश से भी बुलंद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी मध्य प्रदेश से थोड़ा डाउन था बाबू, थोड़ा आवाज और लगा के पड़े, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और देखो पीछे जितना लोग बाहर के लगातार खा के नहीं आए बड़ा जा बाबू, ताकि लौड़ा आवाज होने तक नहीं आता। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब आप इसके लिए यहां से 11 बजे से बैठे हुए हैं, हम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं, हम लोगों के नेता। अच्छा, अपने नेता को सुनने के पहले अपने स्थानीय नेता को और भावी विधायक बनाने के लिए आप जो यहां इकट्ठे हुए हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। समर्थन देने वाले साथी, उनके नेता, आप सभी को प्रणाम है और हमारी झरिया की जनता की जय जय। समय कम है, बस दो शब्द आपके सामने रखना चाहूंगी कि हम यहां आ रहे हैं बदले नहीं, बदलाव की राजनीति करने के लिए। आप सब अगर बदलाव की राजनीति का हिस्सा बनिए, इस झरिया की तकदीर को बदलने का हिस्सा बनिए। वापस लेने का समय आ गया है और एक ही मौका है 16 तारीख को। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी 16 दिसंबर को मेरे स्वर्गीय पति को मैं पूरे 1000 दिन होंगे, उस 1000 दिन का जवाब आपको 1 लाख रुपयों से देना है। 16 दिसंबर को आप सब भूलिएगा मत, मत, मत। घड़ी आ गई है जिसके लिए आप उत्सुकता से 11 बजे से यहां बैठे हैं, हम अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित करते हैं कि हम लोग को संबोधित करें। सिंधिया साहब, मंच पे आ गई मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं मेरे बड़े भाई भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आर आनंद सिंह जी मंच पर आसीन, मेरे गृह राज्य के कैबिनेट के मंत्री तो है ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति है जिनका एक जन जन आदिवासी
समाज के साथ एक पकड़ है, नब्ज तोड़ तोड़कर उनकी जहन में एक उपस्थिति है। उमंग श्रृंगार मंच पर आती इस जिले के कांग्रेस के मेरे अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह जी, तर्केश्वर यादव साहेब, रुस्तम अंसारी जी, सपन बैनर्जी साहेब, रविंदर वर्मा जी, उमाशंकर जी मंच पर आसीन, समस्त कांग्रेस और महागठबंधन के मेरे कार्यकर्तागण, और मेरे पास में खड़ी हुई केवल कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नहीं, केवल सोनिया गांधी या राहुल गांधी की प्रत्याशी नहीं, मैं तो ये मानता हूं केवल गठबंधन की प्रत्याशी नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि झरिया की जन जन की प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह। मीडिया के मेरे भाई बहनों, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि धारण की तपस्या भूमि पर नमन करने का मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। नेता लोग यहां बहुत आएंगे, नेता लोग यहां बहुत आएंगे, बुला फुसलाने का कार्य और कोशिश करेंगे, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है झारखंड की इस भूमि को नमन करने के लिए, उसके पीछे झारखंड का इतिहास है, झारखंड का भविष्य बैठा हुआ है, वो झारखंड का इतिहास हजारीबाग के गीतों के चित्रकार, चाहे हजारीबाग के गीतों के चित्रकार हो, चाहे पलामू के प्राचीन स्तंभ हो, चाहे झारखंड का नहीं लेकिन इस देश का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं, यह विशेषता है झारखंड की, वो विशेषता है जो इतिहास में रची गई है, जो झारखंड के बिरसा मुंडा ने आजादी के क्रांति में अंग्रेजों के सामने अपना सिर उठाकर केवल आदिवासियों का नहीं लेकिन इस देश का हर नागरिक का सिर ऊंचा किया गया, वो बलिदान का इतिहास है झारखंड का, वो बलिदान का इतिहास है झारखंड का, झाड़ू से प्रेरित ताना भगत का इतिहास है, जिस ताना भगत के इतिहास के आधार पर 30,000 आदिवासी घरानों ने महात्मा गांधी का पथ बनाकर दांडी मार्च और सत्याग्रह के आंदोलन में उनके साथ नगर तीर और कमान की तरह आगे चले, ये झारखंड का इतिहास है मेरे भाई और बहनों, और ये झारखंड का इतिहास के साथ झारखंड के वर्तमान को जोड़ने की
जरूरत है। और झारखंड का वर्तमान की विशेषता, यहां के अन्नदाता, यहां के आदिवासियों की मेहनत मशक्कत झारखंड के प्रति अकेले नहीं लेकिन देशभक्ति के प्रति, जिसके लिए हर देश का नागरिक झारखंड की धरती को सलाम करता है। और आज भारत की प्रगति के पहिए की बात करती है भाजपा, भारत की प्रगति की पहिए की बात करती है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत की प्रगति की पहिया 40% तो झारखंड राज्य से है, क्योंकि 40% खनिज झारखंड की भूमि में रहती है। लेकिन उस खनिज का सही इस्तेमाल, उस खनिज का सही लाभ तब न्याय होगा जब झारखंड की जनता को उसका लाभ मिल पाए। और जो 5 साल इस सरकार का कार्यकाल रहा है, जो 5 साल इस सरकार का कार्यकाल रहा है, अन्नदाताओं के प्रति, किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, आज भी हमारा भारत देश और जो व्यक्तियों का देश नहीं है, अन्नदाताओं का देश है, किसानों का देश है। और ये शब्द अन्नदाता का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द अन्नदाता का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अन्नदाता गांव का पेट नहीं भरता, अन्नदाता प्रदेश का पेट नहीं भरता, अन्नदाता संपूर्ण देश का पेट भरता है। मंत्री संतरी तुम्बली आते हैं, लुभाने की बात करते हैं। 5 साल पहले कहा था भैया 2022 तक तुम्हारे आय को हम दुगना कर देंगे, कहा था कि नहीं? समर्पण मूल्य की बात करते हैं, लागत के दाम के ऊपर 50% मुनाफा डालकर समर्पण मूल्य हम दिलवाएंगे, कहा था कि नहीं? और आज किसान बेहाल, नौजवान बेरोजगार और प्रदेश का शासन माला माल। कांग्रेस के शासनकाल में यूपीए की सरकार जब थी, किसी में दम था तो कांग्रेस पार्टी में दम था, जब देश में किसी अन्नदाता ने नहीं मांगा, लेकिन अन्नदाता का दर्द, अन्नदाता की दिल की पीड़ा, जनसेवक नेता आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे, ठाट फाट वाले, कलप के कुत्ते वाले। और नेता लोग क्या कहते हैं, नेता लोग कहते हैं पहला मांग तो आए तब मैं देखूं, सही है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी ने किसी की मांग की इंतजार नहीं की, जब देखा किसानों में पीड़ा है, 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना पूरे देश में लागू की। कांग्रेस के शासनकाल में जब मेरा नौजवान बगदाद का ठोकरे खा रहा था, कांग्रेस
के शासनकाल में महात्मा गांधी रोजगार योजना लागू करके मैं आऊंगा वहां भी, चिंता मत करो। अभी तो ट्रेलर है, आप पिक्चर की बात कर रहे हो। रोजगार गारंटी योजना लागू की, 35,000 करोड़, जिसका आज एक रुपया भी झारखंड के मजदूर को नहीं मिल रहा। बिजली का दाम, पानी और समर्थन मूल्य, और प्याज की तो बात ही मत करो भैया। मेरे पुराने राज्य में महाराष्ट्र के सोलापुर में तो 200 रुपया किलो बन गया। किसान को खुशहाल बनाने की सोच, और वास्तविकता में तो किसान को कुछ रख दिया है पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी लेके आई थी ताकि किसान को अपने जमीन का सही दाम मिल पाए। जमीन किसान के लिए केवल अनाज बोने का और अनाज बनाने का फैक्ट्री नहीं है, किसान के लिए जमीन उसकी देवा देव देवता होती है, माता और पिता होता है। और आज ये लोग उसमें परिवर्तन करके सूट मूट वालों को जमीन मिल पाए। झारखंड में यहां झरिया में अभी पूर्णिमा जी मुझे कह रही थी, लोगों को यहां ढकेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और गठबंधन की सरकार झरिया को खाली नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा को खाली किया जाएगा। यह हमारे मजदूरों का इलाका है। कहते हैं बिजली हर घर में मिल गई, मुझे आप बताओ 24 घंटे बिजली मिल गई है क्या? बिजली नहीं मिलती, लेकिन 4 गुना बिजली का बिल मिल जाता है। सही है कि नहीं? नहीं, नहीं। बिजली नहीं मिलती, लेकिन 4 गुना बिजली का बिल मिल जाता है। पानी का भंडार है झारखंड में, लेकिन पानी का पाइप नहीं प्यासे कंठों में। एक कहावत है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।